बालको प्रबंधन ने चित्रकला पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें सभी आयु वर्ग के चित्रकला प्रेमी लाभान्वित हुए। एक कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें महिलाओं और बच्चों द्वारा तैयार कलाकृतियों का अवलोकन बड़ी संख्या में बालको नगरवासियों ने किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल ने कहा कि रंगों के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपनी कल्पनाशीलता को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी प्रतिभाओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए समय समय पर और भी अवसर मिलेंगे। बालको प्रबंधन की ओर से आयोजित 4 दिवसीय चित्रकला प्रशिक्षण कार्यशाला ने बड़ी संख्या में कला प्रेमियों को आकर्षित किया। लगभग 120 प्रतिभागियों ने ग्लास पेंटिंग, टाइल पेंटिंग, फैब्रिक्स पेंटिंग और पॉट मेकिंग सहित चित्रकारी की अनेक विधाएं सीखी।
शिविर के आखिरी दिन एक प्रतिस्पर्धात्मक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसके निर्णायक प्रसिद्ध चित्रकार श्री विजय बरठे और श्री एनबी पोटे थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बालको के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सविता गोयल के साथ महिलाओं और बच्चों द्वारा रंगों के उत्कृष्ट संयोजन से तैयार कलाकृतियों का अवलोकन कर प्रसन्नता जताई। बालको नगर वासियों ने भी बड़ी संख्या में चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। चित्रकला प्रदर्शनी शिविर में मुख्य अतिथि मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री शरद गोयल ने प्रतिभागियों की कल्पनाशीलता की तारीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी प्रतिभाओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए समय समय पर और भी अवसर मिलेंगे। छोटे बच्चों ने कमाल का काम करके दिखाया। छुट्टियों के दौरान में जो भी कुछ सीखा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ऐसा लग रहा है कि बालकों के परिवार से कुछ एम एफ हुसैन पैदा होंगे। बहुत सारी पोट्री बनाई गई, बहुत सारी कार्ड्स मैंने देखे और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ कि ऐसी कला देखने को मिली। तो ख़ास करके फिडलाइट इंडस्ट्रीज ने जो ये रंगों का संयोजन करना सिखाया, जैसे फैब्रिक दिखाई दे रहे हैं, कुछ पोट्रीज दिख रही हैं, कुछ टाइल्स पे पेंटिंग दिख रही हैं, ये रिमार्केबल। ये ऐसी मानने जैसी बात है कि अगर इन सब पेंटिंग्स को रख के इनकी सीनरी उतारी जाए तो बहुत बड़ी पेंटिंग बन सकती है। तो मैं दीपक पाठकोर के साथ पिडलाइट इंडस्ट्रीज बालको मैनेजमेंट की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में आप सभी अभिभावकों का जिन्होंने 4 दिन लगातार अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाए रखा। और उनके हम ये चाहेंगे कि ये 4 ही दिन क्यों, ये 4 दिन पूरे साल बराबर हो। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बालको संयंत्र 2 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री गुंजन गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन से बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ आके मुझे जो खुशी की अनुभूति हो रही है उसका वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चों ने जो ये कला का प्रदर्शन किया है, अपनी प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया है, उसको देख के केवल वाह वाह कहने का मन हो रहा है। इसके लिए मैं पिडलाइट इंडस्ट्रीज जिन्होंने ये समय निकाला और यहाँ पर आके ये कार्यक्रम आयोजन करने का मौका हम सब लोगों को दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। श्री दीपक पाचपोर और टीम, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम वो यहाँ पर करते रहें। इससे न केवल बच्चों का उत्साह बढ़ता है, उनका प्रोत्साहन होता है, उनकी कला और प्रतिभा का निखार होता है, साथ साथ छुट्टियों में कुछ क्रिएटिव करने का मौका भी मिलता है। तो ऐसे कार्यक्रम अगर आगे भी होते रहें और चलते रहें तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने जिस तरह से बच्चों का प्रोत्साहन दिया, उससे बच्चों का उत्साह और बच्चों की जो कला की प्रतिभा है वो ज़रूर उसमें और चार चांद लगेगा। बालको के बच्चों ने जो चित्रकला सीखी है और जिसका प्रदर्शन किया है, ये वाकई सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में भी इस तरह की आयोजन होते रहेंगे और इससे बालकों की में उपस्थित बच्चों की प्रतिभा का और निखार आएगा। मुख्य अतिथि श्री शरद गोयल और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने चित्रकला प्रदर्शनी के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। Second.
सीखने को मिला। यहाँ हम लोग को टाइल में पेंटिंग करना सिखाए, पॉट में पेंटिंग करना सिखाए और सिल्क कलर का यूज़ करना पता, जिसमें हम लोग दुपट्टे में कुछ भी कलर कर सकते हैं, घर में ही दुपट्टा तैयार कर सकते हैं उससे। तो बालको मैनेजमेंट का ये प्रयास बहुत अच्छा है, आगे उनको और भी प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब 4 दिन में हम लोग इतना सीख गए कि मतलब जो 1 महीना में सीखते हैं उसको हम लोग 4 ही दिन में सीख गए, मतलब बहुत अच्छा लगा। बालको प्रबंधन को ऐसे और अच्छा से चीज मतलब हर साल करवाना चाहिए, तो हम लोग को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और आगे भी माने अपना ऐसी प्रशिक्षण अगर बाल को लगाते रहे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि तो नौकरी तो हर किसी का ये है नहीं, इसलिए बिजनेस के तौर पे अपना के इसको अपना माने व्यापार ये कर सकते हैं। बाल को मैनेजमेंट के लिए ये कहना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे प्रतियोगिता जैसे कई बार और माने हर साल करवानी चाहिए, नहीं नहीं जैसे अगले साल हो सके तो मशीन वाली कढ़ाई सिखानी चाहिए, है ना, सिलाई कढ़ाई का काम जो है ऐसे लेडीज लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा, अकेले सीखने में जो मज़ा नहीं आता है ना, और ग्रुप में सीखने में बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों के साथ में बैठकर सीखने में अच्छा लगता है और सीखने में भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मैंने हम लोगों को ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी से सीखे हैं उसमें 4 दिन आए हैं तो बहुत बढ़िया लगा है। बालको मैनेजमेंट को मैं थैंक बोलना चाहूँगी, इन्होंने इतना अच्छा हमें मौका दिया, हम लोगों ने यहाँ अच्छा टाइम पास अच्छा हुआ और सारे फ्रेंड्स भी यहाँ आए हुए थे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें यहाँ। बालको मैनेजमेंट की तरफ से जो 4 दिन के लिए जो सिखाने आए थे पेंटिंग, वो बहुत ही अच्छा रहा, वो उसमें बहुत से चीज़ सिखाए गए जैसे फैब्रिक का ग्लास पेंटिंग और गणेश भगवान की मूर्ति, वो बहुत ही अच्छे से सीखे और मैं बस मैनेजमेंट